दोस्तों, कर्मचारियों से संबंधित बहुत जरूरी अपडेट निकल कर आ रही है। 30 वर्ष की सेवा पर कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने को लेकर इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन विरोध करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, बताएंगे इस अपडेट के बारे में आपको पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल के आइकॉन को जरूर दबाइए, जिससे कि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्र और महामंत्री प्रेमचंद्र ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि 30 वर्ष की सेवा पर कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्त करने के निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए। उनका कहना है, क्योंकि 30 वर्ष की सेवा में कर्मचारियों के बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी विवाह तथा आवास की व्यवस्था करनी होती है, उसके सेवानिवृत्त कर दिए जाने पर कर्मचारी का तो नहीं उसके परिवार का नुकसान होगा। प्रेमचंद ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों में मुश्किल से 50% नियमित कर्मचारी रह गए हैं, पद खाली पड़े हैं, भर्ती नहीं की जा रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कर्मचारी रख कर काम कराया जा रहा है, उन्हें एक तो बहुत कम धनराशि दी जाती है, वह भी कई कई महीने बाद। उन्होंने कहा, इसी कारण सरकार के सभी कार्यों के संपादन में बाधा पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें अग्रिम कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा, जिसमें आंदोलन भी शामिल है। बैठक में इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी अतुल मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर के सचान, शशि कुमार मिश्रा, अशोक कुमार, उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्र आदि बैठक में उपस्थित थे। उधर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने भी सरकार के आदेश को वापस लेने की मांग की है। दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है, जब तक कर्मचारी बिल्कुल ठीक रहा, यानी कि 50 साल तक, तो उससे काम ले लिया गया, लेकिन जब देखा गया कि कर्मचारी की उम्र बढ़ने लगी और उसकी सेवा 30 साल हो गई या फिर उसकी उम्र 50 से 55 के बीच हो गई, तो उसको जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। मेरे हिसाब से कर्मचारियों के साथ ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। सरकार को सोचना चाहिए इस आदेश के ऊपर। सरकार को चाहिए कि इस आदेश को वापस ले, ताकि हमारे कर्मचारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए, ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।